हेलो एवरीवन, आप सभी का सुनील के वीडियोस में स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेलवे का न्यू वैकेंसी जो 2024 में जितना सारा आ रहा है और आने वाला है, तो उसी को लेकर के एक ब्रेकिंग न्यूज निकल कर के आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है ALP टेक्नीशियन, JEE ग्रुप डी, NTPC का जितना भी भर्ती है उसको सभी बढ़ाने का मांग खुद रेलवे का चेयरमैन ही कर रहा है। ठीक है, ये तुरंत पोस्ट बढ़ाई जाए, ये रेलवे का चेयरमैन ने खुद यानी कि रेलवे बोर्ड से ये मांग किया है। तो इसी पर सारा कुछ वीडियो रहने वाला है, और वीडियो के बीच में हम एक PDF भी आप लोगों को देंगे जो कि रीजनिंग का PDF रहेगा। ठीक है, जिसमें आपको किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया है पहले यानी कि रेलवे में, वो सब सारा कुछ डिटेल से आपको यानी कि बताया जाएगा। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो हम लोग आगे बढ़ते। तो दोस्तों, पहले आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन सा PDF मैं आपको देने वाला हूँ, उसके बाद सारा कुछ डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे कि रेलवे में वैकेंसी क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, और यहाँ पे रेलवे मंत्रालय को क्या लेटर लिखा गया है रेलवे चेयरमैन जो कि सतीश कुमार जी हैं उनके द्वारा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये केरम पब्लिकेशन का बुक है। ठीक है, अभी जितना भी वैकेंसी आएगा, ALP टेक्नीशियन, अभी JEE आ गया है, प्लस में NTPC का आ गया है, ठीक है, RPF का आ गया है, उसके बाद अभी आएगा ग्रुप डी का आएगा, ठीक है, अक्टूबर में आ जाएगा इसका भी। यही सब एग्जाम का तैयारी करने के लिए देखिए आपको यहाँ पे रीजनिंग का बहुत ज़्यादा यानी कि ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, रीजनिंग में बहुत कम आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, और इसका रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा आपको निकल करके आएगा। गाइस, जिसमें देखिए कोई कोई जैसे NTPC में 35 यानी कि CBT 2 में पूछा जाता है, 30 पूछा जाता है यहाँ पे CBT 1 में, उसी प्रकार से 30 पूछा जाता है ग्रुप डी में रीजनिंग। तो रीजनिंग का बहुत यानी कि इंपॉर्टेंस है गाइस। ठीक है, इसका ज़्यादा नहीं मेहनत करना है आपको, डेली का 1 से 1.5 घंटा भी आप लोग अगर मेहनत कीजिएगा तो बहुत अच्छा आप लोग जो है नंबर ले आइएगा। ठीक है, तो ये बुक जो है वो आपको रेलवे ऑल एग्जाम्स करके रीजनिंग का मिल जाएगा, जो कि किरण पब्लिकेशन की तरफ से आता है। ठीक है, ये आपको मिलेगा चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज मिलेगा। ठीक है, अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि किसका किस चैप्टर से कितना परसेंटेज क्वेश्चन आता है, और आपको किस चैप्टर में ज़्यादा आने की ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें जो है टोटल 87 से प्लस क्वेश्चन जो है 1996 से अभी तक जितना भी तरह का एग्जाम हुआ है ना गाइस, जितना भी ALP, RPF, SI, RPF, कॉन्स्टेबल, JEE ग्रुप डी, NTPC, सभी का इकट्ठा करके ये बुक बनाया गया है। ठीक है, अगर सिंपल सा आपको क्या करना है, ये बुक आपको जो है अपना नज़दीकी बुक स्टोर में, नहीं तो कहीं भी आपको जो है ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए, आपको ये बुक खरीद लेना है आप लोग अगर कोई भी रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो। और आपको ले करके डेली एक टारगेट बना लेना है 150 क्वेश्चन का। ठीक है, यही PDF का मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, इस PDF में आपको पूरा डिटेल से एनालिसिस करके बताया गया है कि किस चैप्टर से कितना परसेंटेज क्वेश्चन आ रहा है, और किस टाइप का कितना परसेंटेज क्वेश्चन आ रहा है, ये भी इसमें बताया गया। ठीक है, तो ये बुक आप लोग लीजिएगा तो सबसे पहले आपको जो है उस बुक में मिलेगा क्या, चैप्टर वाइज मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए टोटल चैप्टर कितना है, तो टोटल 26 चैप्टर आपको मिलेगा उस बुक में। ठीक है, और उस बुक में जब चैप्टर वाइज आप लोग जाइएगा, उसके बाद आपको टाइप वाइज मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करके। और देखिए आप लोग जो है केवल 150 क्वेश्चन डेली का आप लोग अगर ठान लिए डेली का कि हमको इतना बनाना है, और रीजनिंग भाई आराम से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग आसान ही रहता है, ये आपको 50 से 55 दिन तक तो लगभग 2 महीना तक इसको करना है। ठीक है, 150 क्वेश्चन पर डे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, तो यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एस्पिरेंट्स फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यानी कि आप लोग जो है पूरा फुल का फुल मार्क्स ले आइएगा, जो भी यानी कि CCA कैंडिडेट हैं। ठीक है, रेलवे से अप्रेंटिस जो करते हैं, जो यानी कि पहले से ज़्यादा नंबर यानी कि नहीं ला पाए थे, ठीक है, पहला यानी कि 2018-2019 में, तो आप लोग जो है केवल रीजनिंग में ध्यान दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आप लोग जो है साइंस में क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और मैथ में भी 10 से 15 ऐसा चैप्टर रहता है जो बहुत आसान रहता है, तो इतना ही आपको करना है। ठीक है, आप लोग को नेगेटिव मार्क्स आने की ज़्यादा बनाने का जरूरत नहीं। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे वो बुक लीजिएगा, बुक में आपको मिलेगा क्या, चैप्टर वाइज मिलेगा। ठीक है, चैप्टर मिलेगा बहुत सारा चैप्टर जो कि 26 चैप्टर है, उसको चैप्टर के अंदर में भी आपको टाइप वाइज मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जगह पे कैसे एनालिसिस किया गया है, कि चैप्टर 1 से देखिए 9% क्वेश्चन आया है, चैप्टर 2 से यहाँ पे देखिए कितना आया है, तो 5% आया। तो ये PDF आपको जो टेलीग्राम में मिल जाएगा, आपको क्या करना है, सिंपल ये PDF डाउनलोड कर लेना है, और वो जो बुक मैं आपको बताया वो बुक ले लेना है। और गाइज, आपको सिंपली क्या करना है भाई, डेली का डेली आपको 150 क्वेश्चन लगभग यानी कि लगाना ही लगाना है। ठीक है, और देखिए वो बुक लीजिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे सबसे पहले आप लोग जो है कोई भी टॉपिक उठाइए, कोई भी टॉपिक उठाइए, उसके बाद उस टॉपिक को जो है अपने पहले YouTube में कोई भी टीचर से देख लीजिए। ठीक है, उसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है, उतना सबको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, तो ऐसे यहाँ पे उठाना ये बुक, उसके बाद एक चैप्टर उठाइए, उसके बाद उस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा लगाइए, 150 क्वेश्चन यानी कि टारगेट रखिए पर डे में। ठीक है, 150 क्वेश्चन हम लगाएं, उसके बाद
क्या होता है कि उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन यानी कि बन गया, बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बनता है। तो जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको आपको गोल कर देना है, ठीक है। जो क्वेश्चन बन रहा है उसको टिक कर ऐसे साइन कर देना है। उसके बाद जब नेक्स्ट बार आप लोग रिविजन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है, तो वही क्वेश्चन को आपको फिर से उसको जो एनालिसिस करना है फिर से बनाना है। तो ऐसा कीजिएगा तो आई होप आपको जो है बहुत यानी कि इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए कि किस चैप्टर में कितना वेटेज है किस टाइप का क्वेश्चन को, ठीक है। और बाकी चलिए आगे वीडियो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर रेलवे बोर्ड चेयरमैन फ्लेक्स शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, ठीक है, रेलवे का चेयरमैन जो कि आपको पता होगा कि अभी सतीश कुमार हैं जो कि 1 सितंबर को नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। तो इन्होंने ही रेलवे मंत्रालय में एक लेटर लिखा है, जो कि लेटर भी आपको मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि ये क्या क्या सारा कुछ एनालिसिस करके पूरा रेलवे के सामने रखे हैं डाटा की कितना मैन पावर का शॉर्टेज है और कितना हमारा एसेट बढ़ा है, सारा कुछ A to Z हम आपको बताएंगे। आप लोग जो है विभिन्न यानी कि यहाँ पे देखिए पेपर में यानी कि कटिंग में ये सब आया है और इसमें लिखा गया है कि रेलवे को बड़ी संख्या में कर्मचारियों की है तत्काल जरूरत, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने बताई वजह, ये हो गया। इसके अलावा भी आप लोग देख सकते हैं कि तत्काल अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता, रेलवे बोर्ड चेयरमैन। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि रेलवे की लगातार बढ़ती संपत्तियों की देखभाल के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तत्काल जरूरत है। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्रालय से बोर्ड को सुरक्षा और उसकी श्रेणियों में गैर राजपत्रित यानी कि नॉन गेजेटेड पद बढ़ाने की शक्ति देने का आग्रह किया गया है। वित्त मंत्रालय में सचिव यानी कि व्यय मनोज को लिखे पत्र में कुमार ने यानी कि सतीश कुमार जो कि यानी कि रेलवे का चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि रेलवे में पिछले कुछ वर्षों के दौरान पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यानी कि यहाँ पे सिंपल सा इसका यही कहना है गाइस, यही रेलवे चेयरमैन सतीश कुमार जी का, कि देखिए रेलवे का जो एसेट बढ़ा हुआ है जो कि आपको पता होगा कि लगभग यानी कि 2 गुना के आसपास में हो गया है, कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सतीश कुमार जी ने लिखा है रेलवे मंत्रालय को, ठीक है। यहाँ पे इनके द्वारा बताया गया है कि जितना भी एसेट है वो रेलवे का 1.48 लाख से 2.62 लाख हो गया है, ठीक है। तो यही सब को सारा कुछ यानी कि सेफली ऑपरेशन करने के लिए, सेफ ट्रेन ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पर जो है मैन पावर का जरूरत है। आप लोग इस जगह पर देख सकते हैं, ठीक है, इस जगह पर एसेट फॉर विच एडिक्वेट मैन पावर इज रिक्वायर्ड फॉर रिलायबल एंड सेफ ट्रेन ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा इतना सारा जो लेटर लिखा गया इसका यही मतलब है कि बहुत सारा रेलवे में यानी कि कर्मचारियों का कमी है और रेलवे का जैसे हो गया इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, प्लस में मेंटेनेंस हो गया, प्लस में अदर कोच का मेंटेनेंस हो गया, ये सब सारा कुछ में वृद्धि हुआ है, ठीक है। और रेलवे का वैकेंसी नहीं आने का एक और कारण है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो आगे हम लोग बात कर रहे थे कि रेलवे में यहाँ पर वैकेंसी क्यों नहीं आ रहा है। तो रेलवे वैकेंसी इसलिए नहीं आ रहा है गाइस, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इस PDF को मैं टेलीग्राम चैनल में अपना दे दूँगा, ठीक है। आगे जब इस प्रकार से यहाँ पे यानी कि धीरे धीरे स्क्रॉल करते जाइएगा तो आपको यहाँ पे आगे मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से स्क्रॉल करते जाइए करते जाइए, उसके बाद यहाँ पे जब आइएगा ये डिपार्टमेंट मैकेनिकल फ्रेट में, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा पहला नंबर में क्या है। तो पहला नंबर इंडियन रेलवेज ऑन, कितना इंडियन रेलवे ऑन जो करता है यानी कि इंडियन रेलवे का कर्मचारी जो है जितना सारा कुछ यानी कि डिपार्टमेंट वगैरह है, तो उसमें से कितना यानी कि इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले, यानी कि 31/3/2019 के मुकाबले 2024 में कितना इंक्रीज हुआ है, तो टोटल जो है 8% ही इंक्रीज हुआ, ठीक है। और यहाँ पर प्राइवेट जो ऑन करते हैं जो भी सारा यानी कि डिपार्टमेंट को, उसमें 109% का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि रेलवे यहाँ पर किस ओर जा रहा है, ठीक है। रेलवे जो है प्राइवेट की ओर ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे वैकेंसी नहीं आ रहा है, इतना मेन कारण इसका यही है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा डिटेल्स में बताया गया है कि देखिए कितना सारा कुछ किस में क्या क्या यानी कि इंक्रीज हुआ है, लेकिन वैकेंसी यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुआ। जो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ है, 40% में पॉइंट्स का, सिग्नल का यहाँ पे 28%, ट्रैक सर्किट का 269%, उसी प्रकार से कवच का है 486%, लेकिन यहाँ पे मैन पावर में कोई यहाँ पे वृद्धि नहीं हुआ है। तो इसी को लेकर के जो है रेलवे मंत्रालय को लेटर लिखा गया है इनके द्वारा, सतीश कुमार जी के द्वारा, ठीक है। अब इसका क्या यानी कि रिजल्ट निकल करके आएगा और क्या नहीं, उसका वेट करना पड़ेगा हम लोगों को। बाकी ये PDF और ये टेलीग्राम में सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको रीजनिंग का जो दिखाया हूँ बुक किरण पब्लिकेशन का, वो बुक का PDF भी आपको जो है मिल जाएगा वहीं पे, ठीक है। जो मैं PDF आपको दिखाया हूँ वो वाला, ठीक है। तो आप लोग जो वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और अपना तैयारी जारी रखिए, ठीक है, क्योंकि ग्रुप D का वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है और अभी बहुत सारा वैकेंसी आया हुआ है, तो उस सबका भी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।